हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजपाल सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अमेजिंग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इस तरीके की पर्सपेक्टिव जो लेयर है वो आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। वो जो आपका डिज़ाइन रहेगा, आपकी शीट रहेगी, आप उसके डिज़ाइन की शीट के साइज की आप एक डिज़ाइन न्यू जो है न्यू पेज जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमें एक मर्क्यूरी टूल यहाँ से लेना है। जो मर्क्यूरी टूल है ये लेना है हमें, रेक्टेंगल वाला। यहाँ से आपकी फोटो का जो साइज है उसका एक रेक्टेंगल डिज़ाइन हमें बना लेना है। यहाँ से हमें एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है। यहाँ से न्यू लेयर यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे, फिर हम एडिट में जा करके फिल कर देंगे इसमें ब्लैक कलर, ब्लैक या 50% ग्रे कलर, जो भी आपको पसंद हो वो कर देंगे। तो इस तरीके से इस बॉक्स जो है हमारा तैयार हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद में हम कंट्रोल डी दबाएंगे और सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो बॉक्स है वो रेडी हो गया है, पर्सपेक्टिव जिसको हमें बनाना है। तो हम यहाँ कंट्रोल टी करेंगे दोस्तों इसको, फिर दोस्तों हम कंट्रोल का यूज करते हुए ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको कंट्रोल का यूज करते हुए ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमें इसे लेयर स्टाइल में जाना है, लेयर के अंदर लेयर स्टाइल में। यहां से हमें इसको ड्रॉप शेडो जो है वो देनी है दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से हमें इसे ड्रॉप शेडो जो है वो देनी है। यहाँ से हम नॉर्मल कर देंगे इसको, ओपेसिटी जो है वो 100% कर देंगे। साइज जो है वो हम कम कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से साइज को हम कम कर लेंगे। फिर हम इसमें स्ट्रोक लगाएंगे। स्ट्रोक आप किसी भी कलर का लगा सकते हैं दोस्तों इसमें, जैसे मैं यहाँ रेड कलर का इसमें स्ट्रोक जो है वो लगा रहा हूँ। इन साइड में तो देखिए दोस्तों, ये एक पर्सपेक्टिव जो हमारी लेयर थी वो हमारी बन गई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन बनाना है। तो रिफ्लेक्शन का मैंने टेक्स्ट का भी एक वीडियो डाला हुआ है, तो उसकी तरह ही बिल्कुल हमें करना है। हमें इसकी एक लेयर की न्यू कॉपी और बनानी है। यहाँ से हम ड्रैग करके न्यू कॉपी बना लेंगे। फिर दोस्तों हम कंट्रोल टी करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म करके उसको वर्टिकली यहाँ से राइट क्लिक करके कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से। ये हमें यहाँ से यूं करना है दोस्तों, इसके बिल्कुल पास में यूं ही कंट्रोल दबाते हुए कंट्रोल टी के अंदर जो हमारा ट्रांसफर का ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, उसके अंदर हमें कंट्रोल को यूज़ करते हुए इस हिसाब से इसको इसके साथ बिल्कुल यूँ सेट कर देना है। सेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम इसमें एक मास्क क्रिएट कर लेंगे लेयर में जाके। रिबल लाल करके फिर वही दोस्तों ग्रेडियंट टूल लेंगे। ग्रेडियंट टूल में इस तरीके का ब्लैक और वाइट का यहाँ तक का एक ग्रेडियंट क्रिएट कर लेंगे। फिर दोस्तों हम यहाँ से यूं इसको इस तरीके से आप इसको यूज ले सकते हैं जितना आपको दिखाना है। तो दोस्तों फिर हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो यहाँ से हम कम कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी पर्सपेक्टिव जो लेयर थी, इन दोनों लेयरों को हम लिंक कर देंगे दोस्तों यहाँ से।
तो ताकि हम जब भी इनको मूव करें तो ये एक साथ मूव हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप पर्सपेक्टिव जो लेयर है वो बना सकते हैं। अब मैं दोस्तों इसमें एक इमेज आपको इंसर्ट करवा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैंने बनाया क्या है। जो मेरे नए भाई हैं जो नहीं जानते फोटोशॉप में, उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक जो है फाइल ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये एक फ़ोटो मैंने यहाँ ओपन कर ली है। मैं यहाँ इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने इसको बंद कर दिया। फिर मैंने ये लेयर सिलेक्ट करी है दोस्तों, मेन लेयर। फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी करते हुए पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल टी से मैं इस लेयर को थोड़ा छोटा कर लूँगा दोस्तों। स्केल जो इसका है वो बहुत बड़ा आया है मेरी इस इमेज पे, तो मैं इसको यहाँ से छोटा करके और इसको इंसर्ट करवा दूंगा क्लैपिंग मास्क करके अल्ट कंट्रोल जी से। वही दोस्तों कंट्रोल का यूज करते हुए आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो एल्बम डिज़ाइनिंग में या किसी और डिज़ाइनिंग में आप पर्सपेक्टिव जो लेयर है उसको यूज़ में ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पर्सपेक्टिव जो मेरी लेयर का जो वीडियो है, ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स उनको मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।